तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में नई रोशन भाभी की एंट्री हो चुकी है और सोढ़ी ने रोशन भाभी को फाइनली मना भी लिया है। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड्स में देखा था, रोशन सिंह सोढ़ी ने पार्टी शार्टी कर लिया था अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपने दोस्तों के साथ। लेकिन कहते हैं कि अगर अंत भला हो तो सब कुछ धीरे धीरे सही हो ही जाता है। तो फाइनली नई रोशन भाभी की एंट्री हो चुकी है और रोशन भाभी ने अपने मैरिज एनिवर्सरी को काफ़ी धूमधाम से मनाया अपने पति यानी कि रोशन सिंह सोढ़ी के साथ। पूरी सोसाइटी जो है इनकी मैरिज एनिवर्सरी के फंक्शन में शामिल हुई, सब ने मिलकर खाना खाया, अच्छा डांस किया। दोस्तों अब आगे क्या, रोशन भाभी की एंट्री तो हो गई लेकिन दया भाभी की एंट्री इस बार भी हमें देखने को नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि तारक मेहता शो में दया भाभी की एंट्री आने वाले एपिसोड में हमें ज़रूर देखने को मिले। वैसे दया भाभी को लेकर आपका क्या कहना है? क्या दया भाभी को नए साल के मौके पर वापस आ जाना चाहिए? इंतज़ार करते हैं दोस्तों तारक मेहता के आने वाले एपिसोड्स का, और तारक मेहता से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।